ग्वालियर में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का अनोखा अंदाज देखने को मिला। उन्होंने अनुसूचित जाति के लोगों को न केवल अपने हाथ से खाना परोसा बल्कि साथ बैठकर एक ही थाली में खाना भी खाया। सिंधिया घराने में शायद पहली बार किसी ने ऐसा किया है। इस दौरान सिंधिया की कट्टर समर्थक इमरती देवी भी मौजूद थी। सिंधिया की एक बात पर वह भावुक हो गई। उन्होंने कहा, ये बात गलत है। इस पर मंत्री सिंधिया बोले, ये बात अभी मत कहो, यहाँ मीडिया वाले मौजूद हैं। दरअसल केंद्रीय मंत्री 3 दिवसीय प्रवास पर ग्वालियर आए हुए हैं। शनिवार को उन्होंने अनुसूचित जाति वर्ग के लिए जनप्रतिनिधियों और आम लोगों के कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि अगर मैं ना भी रहूं तब भी आपकी समाज के लिए हमेशा काम होते रहेंगे। यह बात सुनकर सिंधिया की कट्टर समर्थक और पूर्व मंत्री इमरती देवी की आंखों में आंसू आ गए। उसके बाद भीगी आंखों से इमरती देवी ने कहा कि महाराज कभी ऐसा मत बोलना। उसके बाद सिंधिया ने इमरती देवी का हाथ पकड़कर हौसला बढ़ाया। मीडिया से बातचीत करते हुए सिंधिया ने कहा कि हमारी परंपरा है, हम पहले दूसरों को खाना खिलाते हैं फिर हम खुद खाना खाते हैं। उसी परंपरा का निर्वहन मैंने किया है। सिंधिया ने कहा कि ग्वालियर, चंबल और मध्य प्रदेश के सभी वर्गों से हमारा प्रेम का नाता है। खुद खाने से पहले दूसरों को अपने हाथों से भोजन परोसना और फिर सबके खाने में उनको संतुष्टि मिलती है। बता दें, 2 अप्रैल 2018 में जातिगत हिंसा के बाद विधानसभा चुनाव में सबसे ज्यादा नुकसान भाजपा को ग्वालियर चंबल अंचल में हुआ। यहां लगभग 90% सीट भाजपा के हाथों से चली गई थी, लेकिन अब सिंधिया कांग्रेस से भाजपा में आ गए हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार, मैं हूं आरती। खबरों के लिए बने रहिए मृदुभाषी के साथ।